तो चलिए अब हम लोग कैम क्रिप्टो की रियल टेस्टिंग करते हैं। इस जूते को पहन के चेक करते हैं ये जूते में क्या खास बात है और क्या नहीं है। तो साइज वाइज कोई दिक्कत नहीं थी, 9 नंबर का जूता आता है, 9 नंबर ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो अंदर से पैर मेरा यहाँ तक आ रहा है, तो परफेक्ट है। साइजिंग वाइज जूते में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जो भी साइज आता है उसी साइज का आप जूता मंगवा सकते हैं। लुक एक बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, और कलर कॉम्बिनेशन जैसे ये देखिए, पीछे से पैचिंग वगैरह यहाँ तक लगाया गया हाफ एरिया तक, ताकि पीछे से एड़ी वगैरह पूरा कवर रखे। तो लुक वाइज इस जूते में कोई दिक्कत नहीं है। अपर मटेरियल जैसे ये यहाँ यूज किया गया है, तो अपर मटेरियल भी काफी सॉफ्ट है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया है। तो अपर मटेरियल लुक में पास हो गया ये जूता। दिक्कत वही इंसोल की दिक्कत आ रही है बार बार हर जूते में इनके, क्योंकि इंसोल ये 1699 हो 1599 हो, सब में इंसोल जो है बहुत ही एकदम नॉर्मल इंसोल लगा दे रहे हैं, जबकि अदर कंपनियां बहुत ही अच्छा इंसोल यूज कर रही हैं अपने जूतों पे। तो चलिए इसके ग्रिपिंग को टेस्ट कर लेते हैं। ग्रिपिंग वाइज बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बिल्कुल पैर नहीं फिसल रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, कैम क्रिप्टो में 1699 में जूता है, लुक वाइज बिल्कुल अलग दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है लुक में। मटेरियल भी सबसे अच्छा यूज किया गया है, चाहे वो अपर मटेरियल हो चाहे सोल का हो। इन सोल के मामले में बाकी कंपनियों से ये बीट खा रहे हैं, सभी जूतों में किसी स्पेशली एक आर्टिकल की बात नहीं किया जा रहा है। तो ओवरऑल जूता अगर 5 में रेटिंग दे रहा हो तो 3 रेटिंग तक इस जूते को मिल जाएगा। होप ये वीडियो कैम क्रिप्टो की आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।